भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज मेलबोर्न के MCG मैदान पर खेला जाएगा। जी हां, MCG यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच की अगर बात की जाए तो पिच मेलबोर्न की हमेशा से काफ़ी शानदार रही है। खैर, आपको बता दें कि मेलबोर्न को दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है, ऐसे में यहाँ पर छक्के मारना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए पिच को तैयार किया गया है। पिच पर ज़्यादा घास नहीं होगी, पिच हल्की सी वहाँ पर घास होगी, लेकिन यहाँ की जो टर्न है वो भारतीय पिचेस जैसी है, यानी कि स्पिनर्स को आज के मैच में मदद मिल सकती है, जो भारत के लिए राहत की खबर है। मेलबर्न का अगर एवरेज स्कोर देखा जाए तो एवरेज स्कोर 180 से 190 के बीच है, यानी कि मेलबर्न पर रन बनते हैं और रन चेज भी होते हैं। ऐसे में अगर भारत को ऑस्ट्रेलिया को हराना है और अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो भारत को बड़ा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। भारत आज हो सकता है कि 6 बल्लेबाजों को लेकर ही उतरे, क्योंकि पिछले मैच में चहल की कमी भारत को साफ तौर पर खली थी। अगर भारत आज चहल को खिलाता है तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बॉल ड्रिफ्ट होकर आएगा, रिस्ट स्पिनर है जहां पर पिच से मदद मिल सकती है, क्योंकि पिछले मैच में एडम जाम्पा को भी मदद मिली थी और उन्होंने भारत की पारी को तहस नहस कर दिया था। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुलदीप यादव के साथ चहल की जोड़ी काफी जमती है। पिच और ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड यहाँ पर काफी बड़ा है, 70 से 72 मीटर की बाउंड्री है। यहाँ पर छक्के मारना आसान नहीं होगा, बल्लेबाज अपनी स्किल से मार सकता है। मेलबर्न में रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा है और अगर रोहित का बल्ला चला तो भारतीय टीम की जीत की गारंटी लगभग तय हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज भारत कैसे धमाल मचाता है मेलबर्न में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।